तुला राशि वालों, आज 9 मार्च शनिवार का दिन सिद्ध योग में धनिष्ठा नक्षत्र में चतुर्दशी तिथि को जब दिन की शुरुआत होगी तो मंगल के प्रभाव से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे। मंगल जो आपकी कुंडली के सुख भाव में बैठा है, जो आपके धन भाव का स्वामी है, जो बृहस्पति के साथ चतुर्दशम योग बना रहा है, जिसके धन भाव में चंद्रमा और सूर्य का गोचर हो रहा है, धनिष्ठा नक्षत्र में दिन की शुरुआत होना आपको बड़ा भाग्यशाली बनाएगा। सिद्ध योग में जब भी मंगल बृहस्पति से प्रभावित हो जाता है, चंद्रमा और सूर्य को प्रभावित करता है, तो शुभ ग्रह के सामर्थ्य से आपके जीवन में इच्छित मनोकामना आपके पूरे होते हैं, जीवन में हर लक्ष्य पूरा हो जाता है, सफलता कामयाबी आप पाते हैं, सुख धन कमाते हैं, जीवन में आनंद उत्साह बढ़ता है और भाग्य आपका साथ देता है। आज आपकी कुंडली के पंचम भाव में शुक्र शनि सूर्य चंद्रमा का चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, जिसमें शुक्र आपके लग्न का स्वामी है, सूर्य लाभ स्थान का स्वामी, चंद्रमा धन का स्वामी, साथ ही साथ कर्म का स्वामी, वहीं शनि आपके पंचम भाव का स्वामी है, जो एक साथ आपकी कुंडली में गोचर करके लाभ स्थान पर अपनी दृष्टि डाल रहा है, जिसके प्रभाव से जीवन में संपत्ति उन्नति का लाभ होगा, आपके जीवन में सफलता कामयाबी का योग बनेगा। बृहस्पति आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर बैठकर लग्न पर अपनी दृष्टि डाल रहा है और बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ते ही लग्न भाव आपका जागृत होगा, आपका व्यक्तित्व चमकेगा, यश मान सम्मान की प्राप्ति होगी, उमंग उत्साह बना रहेगा, आज कार्य सफल होंगे। राहु का बुध के साथ गोचर करना व्यापार नौकरी में अचानक स्थिति बदलेगी और दिन आपके लिए सफलता सुख देने वाला सौभाग्यशाली दिन होगा। साहस पराक्रम आपके बढ़ेंगे, लक्ष्य आपके पूरे होंगे, जीवन बड़ा प्रभावशाली होगा, विभिन्न स्रोतों से आप धन कमाएंगे, जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे, बेहतर प्रदर्शन करेंगे, सफलता कामयाबी नौकरी व्यापार की स्थिति मजबूत होगी, कार्य की गति तेज होगी, लाभ और प्रभाव आपका बढ़ेगा, भाग्य का सितारा आपका चमकेगा, बड़ी सफलता पाएंगे, कामयाबी का योग है। तो तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं विस्तार से आज का तुला राशि फल। जय श्री राम, जय हनुमान, ओम श्री हनुमन्ते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, जय हनुमान जय जय हनुमान, निश्चय प्रेम प्रतीते विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शोभे सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, जय हनुमान जय जय हनुमान। 9 मार्च शनिवार का दिन फागुन माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, धनिष्ठा नक्षत्र और सिद्ध योग में दिन की शुरुआत, धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल सिद्ध योग में दिन की शुरुआत करेगा, लेकिन 7:55 के बाद सद्विषा नक्षत्र का उदय होगा और राहु के प्रभाव से आप प्रभावित हो जाएंगे। शनिवार का दिन है, सिद्ध योग है, मंगल और राहु के प्रभाव से दिन प्रभावित है, तो दिन आपके लिए बड़े लाभ लेकर आएगा, सौभाग्य सुख धन का योग बनाएगा, संपत्ति उन्नति आपकी होगी और आपकी जीवन में आपके प्रयास बेहतर परिणाम देंगे, उन्नति की राह आसानी से आप आगे बढ़ते जाएंगे, लाभ और प्रभाव में वृद्धि का योग है, जीवन में जीत आपकी होगी और महत्वपूर्ण कार्य आपके सफल हो जाएंगे, ऐसा योग आपकी कुंडली में है। प्रबंधन प्रशासन जीवन के हर क्षेत्र में सफलता कामयाबी, कार्य की गति जब तेज होती है तो जीवन में सुख बढ़ता है, संपत्ति बढ़ती है, परिवार का साथ मिलता है, उम्मीद से ज्यादा लाभ होता है। आज का दिन तो आपके लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, क्योंकि आपकी कुंडली में राहु इस समय बुध के साथ गोचर कर रहा है, लाभ और प्रभाव आपका बढ़ता जाएगा, भाग्य की प्रबलता से श्रेष्ठ प्रदर्शन आप करेंगे, जीवन के विभिन्न क्षेत्र में परिस्थिति बदलेगी, लक्ष्य आपके सफल होंगे
और इच्छा आकांक्षा महत्वाकांक्षा आपका पूरा होगा, कोई शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी और इच्छित कामना आपकी सफल हो जाएगी। ऐसा योग आपकी कुंडली में बन रहा है जो जीवन में अनेक प्रकार का सुख देगा। आपकी जीवन में अच्छे परिणाम और कार्य जब तेज गति से आगे बढ़ेंगे, नेतृत्व के कार्य को जब बल मिलेगा तो परिस्थिति अपने आप बदलेगी। कार्य व्यापार में जब धन लक्ष्मी का आगमन होगा तब आपके जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी, तब आपके जीवन में उपलब्धि हासिल भी होगा और जीवन पारिवारिक बड़ा सुखमय होगा। और अब मेहनत के अनुरूप जब लाभ मिलेगा तो जीवन तेज गति से आगे बढ़ेगा, आपके अंदर सामर्थ्य जागेगा, भाग्य आपका बदलेगा और अपने जीवन में आप बड़ा प्रभावशाली होंगे। दिन आपके लिए लाभकारी है, सुख देने वाला है, परिजन से प्यार मिलेगा, परिवार की स्थिति पहले से अच्छी होगी, बच्चों की तरक्की होगी। अपने धैर्य को बनाकर रखें, मेहनत से अपने कार्य को करते जाएं, जल्दीबाजी ना करें तो जीवन आपका सफल हो जाएगा, जीवन आपका प्रभावशाली हो जाएगा। ऐसा योग आज आपकी कुंडली में बन रहा है, कोई आकर्षक प्रस्ताव भी आपको प्राप्त होगा। जो स्टूडेंट हैं अपने वाणी व्यवहार को नियंत्रण में रखें, लक्ष्य आपके पूरे होंगे, संपर्क आपका बढ़ेगा, निसंकोच आप आगे बढ़ेंगे, जीवन में तरक्की भी होगी, खुशखबरी की प्राप्ति भी होगी। आलस का त्याग करेंगे तो बड़ी सफलता भी पाएंगे, यात्रा भी संभव है, दिन आपके लिए लाभकारी साबित होगा। जो व्यापारी हैं आज अपने सामर्थ्य से जीवन में आगे बढ़ेंगे, धन कमाने के मामले में महत्वपूर्ण कार्य आपके पूरे होंगे, साथ ही साथ व्यापार का विस्तार भी होगा और व्यापार में लाभ का योग भी बनेगा। स्थिति आपके अनुकूल होगी, महत्वपूर्ण कार्य को आप साधेंगे और हर कार्य सफलता से आपका पूरा होगा। जो नौकरी करते हैं अति उत्साह ना दिखाएं, अपने काम को मेहनत से करते जाएं, आपके जीवन में ये समय सुख देने वाला, कला कौशल के बल पर आपके काम की प्रशंसा होगी और आपके सारे काम सूझबूझ के साथ सफल हो जाएंगे, जिससे आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, जिससे आपके जीवन में लाभ और वृद्धि भी देखने को मिलेगा। जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं अपनी योजना को बनाकर आगे बढ़ते जाएं, कार्य में शीघ्र सफलता दिखाई देगा, इच्छित परिणाम मिलेगी, निसंकोच आप आगे बढ़ेंगे और आपके जीवन में आज का दिन लाभ तरक्की लेकर आएगा। तो दिन हर तरह से आपके लिए धन उन्नति समृद्धि सुख देने वाला शुभ दिन साबित होगा। आज का दिन बड़ा भाग्यशाली दिन है क्योंकि मंगल इस समय आपकी कुंडली में बड़ा मजबूत स्थिति में है, बृहस्पति के साथ चतुर्दशम योग बना रहा है और मंगल के धन भाव में सूर्य चंद्रमा का गोचर है, मंगल के सुख स्थान में बृहस्पति बैठा है और आज ये शुक्र शनि सूर्य और चंद्रमा का चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, वही राहु बुध के साथ युक्ति कर रहा है, तो आपके लिए दिन बड़ा लाभकारी है, सौभाग्यशाली है, आपका जीवन खुशहाल होगा। बुरी संगति से आपको बचना है, परिवार को खुशी देने वाला, स्त्री को मोहित करने वाला चमकता हुआ भाग्य जीवन में आपकी महत्वाकांक्षा को पूरा करेगा, आप धन भी कमाएंगे, बड़ी सफलता भी पाएंगे, भाग्य भी आपका बुलंद होगा और धीरे धीरे आपकी स्थिति और भी मेहनत हो से अच्छा होता जाएगा, ऐश्वर्य वैभव बढ़ेगा, सुख धन सफलता देने वाला आज का दिन आपके लिए बड़ा सौभाग्यशाली दिन होगा। आज बुद्धि बल से युक्त जीवन के कार्य को सफलता से पूरा करने वाला
सुख समृद्धि सौंदर्य का आनंद लेने वाला, इच्छा शक्ति सामर्थ्य से आगे बढ़ने की शक्ति, अवसर का लाभ उठाने वाला भाग्यशाली दिन आपके लिए काफी लाभकारी साबित होगा। तो दिन आपके लिए बड़ा सुख लेकर आया है। संपत्ति उन्नति आपकी बढ़ेगी, लाभ धन की प्राप्ति होगी। ये समय आपके लिए बड़ा सुख देने वाला भाग्यशाली समय साबित होगा, जिसके प्रभाव से आपके जीवन में शुभ कार्य होंगे, जीवन में हर कार्य सफल होंगे और जीवन में आप बहुत कुछ पाएंगे। शुभ परिणाम की संभावना दिखाई दे रही है, जो आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगा, जो आपके जीवन में अनेक प्रकार का सुख, सौभाग्य, संपत्ति देकर जाएगा। तो आज का दिन आपके लिए सौभाग्यशाली दिन है। आज राहु काल 9:34 से 11:03 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें, पूरब दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर नीला होगा और लकी नंबर 6 होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे दिन की शानदार शुरुआत होगी। अभिजीत मुहूर्त 12:08 और विजय मुहूर्त 2:30 आपके लिए काफी लाभकारी होगा, जबकि अमृतकाल रात्रि 10:38 के बाद जीवन में बड़े बदलाव संभव है। आज का दिन शुभ दिन है। सिद्ध योग रात 8:32 तक है। तो दिन आपके लिए उमंग उत्साह को बढ़ाने वाला भाग्यशाली समय है। धनिष्ठा सत्विशा नक्षत्र में मंगल शनि के प्रभाव से सिद्ध योग में आपके कार्य सफल होंगे, आप भाग्यशाली होंगे। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान।